सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अभी उठा हूँ, जस्ट बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही उठा हूँ और मैंने देखा कि मम्मी तो आज सफाई कर रही है। देखो कैसा हाल हो रखा है, सभी डिब्बे को मम्मी ने पहले उतार दिया। यहाँ ऊपर है ना उस जंगले से, कई बार क्या आ रही है ताज़ा, तो और हमारा घर है रोड पे तो सफाई ज़्यादा मांगती है रोड वाले घर, क्योंकि गाड़ी चलती है उड़ता रहता है तो फिर इन पे और कुछ भी है, मतलब यहाँ ये सारा सामान मतलब आज रेत ही रेत है पूरा। और मम्मी देखना अब इनको एक नंबर चमका देगी। ओ भाई, ये एकदम बिल्ली कहाँ से आ गई। और गाइस ये एक चीज़ और बता दूँ, इस बिल्ली ने क्या करा, पहले ये हमारे यहाँ थी, इसके बच्चे, क्योंकि बिल्ली का ये मानना होता है कि सात घर बदलती है, सात जगह है, तो इसने क्या किया कुछ दिन बाद ही बच्चों को ले गई है अभी। और फिर उसी दिन शाम को देखा कि ये वापस ले, क्योंकि इसको यहाँ हमेशा सेफ लगता है। पिछली बार भी इसने पूरी सात की सात चीज़ है ना हमारे घर, मतलब जगह हमारे घर में ही बदली है। और ये देखो इसको बांध रखा क्योंकि काम नहीं करने देगी, पैरों में अड़ी रहेगी। और अभी मम्मी कर रही है बर्तनों को साफ। मम्मी ये नहीं है कि सिर्फ पूछा पूछा ये आधा अधूरा काम किया और छोड़ दिया, मम्मी बिल्कुल बढ़िया साफ सफाई करेगी। अगर किसी चीज़ की शुरुआत करिए तो उसको बिल्कुल पूरा करके छोड़ेगी। तो मम्मी यहाँ पहले बड़े बड़े बर्तनों को मांज रही है, फिर कप वगैरह शीशे की, यार जूने से तो मांजते हैं ना। तो अभी मम्मी करेगी सफाई। और ये, और गाइज आप सोच रहे हो कि अपने आप को नहीं दिखा रहा, क्योंकि यार गाइज आज मैं नहाऊंगा नहीं, और मेरा ना गला ख़राब है और थोड़ा जुकाम सा हो रखा है, सो मैं इसलिए नहीं नहाऊंगा। ये बिल्ली को देखो, दाकी क्वीन, कोई डर नहीं है इसको, इसका डर जा बिल्लो बिट्टो। ये देखो गाइज, ये बिल्ली नहीं डरती, ये डर जाएगी। सो ठीक है गाइज, अब आपको बाद में दिखाते हैं जब सफाई हो जाएगी मम्मी। सो गाइज अभी मम्मी ने इतना सब कुछ तो साफ कर भी दिया है, और ये तो कुछ नहीं है, और अभी तो इससे बहुत ज्यादा तो अभी करना ही है। देख लो भाणो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुमने करना है। फिर जैसे धान कटेंगे यानी कि चावल की खेती, तो मत इतने मच्छर आऊंगे, हरी गेहूं की, हाँ वो तो बता दिया, जो रोड पे वैसे ही कर रहे हैं, पूरे दिन गाड़ी चलती रहती है, तो सारी गंदगी साफ हो जाएगी। इतने सभी चीज तो मम्मी ने साफ कर दी, सारे बर्तन कुछ ही रह गए हैं बाकी, तो एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के मानती हूं, बाकी अभी बहुत चीज बची हुई है वो अभी मम्मी करेगी। वो भी जैसे बिल्कुल खाली डिब्बे ना, वो भी साफ करती हूँ, चाहे भरे हो चाहे खाली हो, सारे ना एडे हल्का ले लो मतलब। सो गाइस अभी बिट्टो खा रही है खाना, और अभी शाम हो चुकी है, और मम्मी ने देखाता हूँ एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से लेके वहां तक के बर्तन बिल्कुल चमका के आपको शाइन भी दिखी होगी, अलग से ही चमक गए वो, यहाँ तक सारे कर दिए। और फिर इस स्लैब के भी, चाहे छोटा सा तिनका भी है ना, वो भी अच्छे से मांज के साफ किया है। देखो तिनको सुखाया पूरी तरीके से, पूरी जितनी स्लैब है ना पूरी धोई है। अभी मम्मी लगाई है क्योंकि कुछ बर्तन अभी जचाने बाकी है, ये मम्मी जचा रही है अभी, और बाकी किचन का हो चुका है पूरा। अब बस ये यहाँ से यहाँ तक का मम्मी अपने आप साफ कर देगी। और मम्मी बना रही है अभी दाल, और गर्म पानी कर रही है मम्मी अपने लिए। तो आप लगा दोगे? हाँ मैं लगा दूंगा। ठीक है, मैं इतना और काम कर लूंगा। इसमें हल्दी नमक मैंने डाल दिया, थोड़ी सींग डाल दो, सींग डाल दो। गाइस आज मम्मी को पूरा दिन हो चुका है काम करते करते, फिर कल शायद मम्मी छत की करे या कर दिया अपने पीछे से। नहीं अभी कर रही बेटे, पहले फिर कुलभूषण के साथ क्या किया आपने? कुलभूषण के साथ पीछे वाला रूम किया था। सो गाइस कुलभूषण के साथ मम्मी ने के इसके ऊपर भाई बहुत सामान है, कम नहीं है बहुत ज्यादा सामान है, ये दिख नहीं रहा होगा, इसके पीछे बहुत सारा सामान है, वो सारा कुलभूषण ने साफ करके अच्छे से रख दिया। अभी तो किचन की टाइल साफ होंगी। हाँ अभी मम्मी ये
ये रह चुकी है, ये अभी मम्मी टाइल साफ करेगी ये, क्योंकि गैस ये के पास कलर किया गाइस, तो इनकी वजह से अंधेरा रहता है मेरी हाँ। गैस पर भी तो ये गैस के कारण है ना गाइस, ये यहाँ की टाइल ऐसी हो जाती है चमकने के बाद एक हाँ। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ, लेकिन दिवाली पे तो मैं एक एक कोना छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो कहीं पर एक एक कोने को साफ कर देती हूँ। गाइज टाइम हो चुका है 10:20 और आज वो लोग भी पूरा नहीं हुआ, तो सोचा मम्मी के साथ थोड़ी देर बकवास मार लूं, तो फिर वो लोग पूरा हो जाएगा, मम्मी के पास ही चलता हूँ। साइड हो जाओ मम्मी, जगह दे दो। अच्छा बकवास मारना थी मम्मी पाव है हैं, स्वाद आता है ना मेरी गल्ला, और कोई तो है नहीं अब, और कौन आओगा मेरे होते हुए। कुछ भी टॉपिक स्टार्ट कर दो मम्मी। राधे राधे गाइस, तो कैसे हैं आप सब, रात के बज चुके 10:20 यानी कि 10:30 होने वाले हैं और हमारा काम हो गया समाप्त। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, कुणाल लेके आएगा मेरे लिए खाना, क्योंकि आज इसने मुझे थोड़ी जल्दी सी यार एक दिन जोमेटो से ऑर्डर क्या कर दिया, लत लग गया बाहर का खाने की, मोमोज खा दिए इसने मेरे को और इतनी गंदी आदत डाल दी कि एक बार तो रोज 2-3 मोमोज खाए। मैंने कह दी घर पे बैठे बैठे ऐसे करे, घर पे बैठे बैठे कैसे आ जाएगा, बिना जाए मका आ जाएगा, ये हमारी जनरेशन का है। पर मैं खाती नहीं हूँ, अब मैं खाली दाल दाल खाऊंगी, मैंने बनाई दाल दाल, मेरा भी खाने का जी नहीं है, बाहर से मंगाते कुछ। रात ना बाहर का मंगा होगा, बाहर रह लग जा, चल रो बाहर बाहर बाहर, घर में इतना अच्छा भोजन बन लाए रहे, जब बाहर जाने की बेरन के लल्ला कुठी रह रहा वक्त बाहर के से जी नहीं भरता। मैं बेकार बनाऊ इसका मतलब? अरे आपका तो बहुत अच्छा है। तो फिर यो ये मतलब होया बार 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 के बार गाइस आज थोड़ा जुकाम हो रखा है, तो ये बिनुए होया है बाहर का खाना खाए तो, और ये आइसक्रीम पाड़ा पूरा ये सास भी तो आपने मारी है, सारा दिन बाहर की आइसक्रीम खाओ यो, सास बार रखी है और कोल्ड कॉफी पीवे तो इतने से दंगेरी मेरे दर क्यों आलोटिया मेरा करेगा, चल प्रेनो बेइज्जती क्या बेइज्जती, ठीक है ठंड बेइज्जती है बहुत हो हर वक्त है, बोल मत दियो चल ही मैं काम कर दे मेरा ना मां तेरे तो दूर खाई ना जाऊं। मेरे तो दूर क्यों ना जा, सारे कॉलेज में जान लग रहा ना, पर वही बात है गाइस कुछ सीखने के लिए दे दियो, मैं तो यही पे रहूंगा आपके देती पास। नहीं मैं, मेरे जितना कोई ना देता होगा। अरे फोन ही आपका, मेरा फोन थोड़ी है, फोन की तो बात तो ना हो रही, मतलब सब कुछ आपका ही, मेरा तो है ही नहीं। और कुछ बताओ ना, जल्दी बताओ, टाइम पूरा करो। क्या कर, 10 मिनट का व्लॉग तो होना ही है, क्या टाइम पूरा दुनिया करो? को बोल के दिखाओ क्या कुलभूषण कुछ बोल दे भाई, कुलभूषण आप बोलो कोई अंडा। कुलभूषण बोलने लायक नहीं छोड़ा, स्वाद है यार वहां सुना नहीं सोती, अरे यार इतनी भयंकर है गाइस, मैं रुकती नहीं, मैं क्या करूं, अरे वो क्या चल गया मेरे फोन में, ये भी बेचाल लेंगे ये बंद है ना आपका, कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट के करेगा जो ये बंदा ना आता है, मीनू कह वरना भी चला के देख लिया करो किसी टाइम। बस एक बात बताइयो सच्ची सच्ची, कितना ब्रांडेड खाना खवा रखा मैंने आपको, ब्रांडेड क्यों हो मतलब मैकडॉनल्ड। ए भोलेनाथ ये भी मतलब, जब मैंने कहा मम्मी आप भी कसौती है बात कह दियो हो, अच्छा मतलब मैकडॉनल्ड मैकडी वैकडी, अरे मिथुन मर क्या, अरे रुक जाने ये तो मरते रहोगे तुम, मेरी सुन ले नुआरी समाचार हम नहीं रहे, मर जान दे, मन नहीं मरना सबने मरना है, फिर मेरा तो शोक लग गया एकदम से, वो खबर पड़ गया ना बता यो के खबर, अरे तू इसने दिखान तो दे सच्ची में है, देखो ये लिख रखे है मिथुन तो नहीं रहे, दो चाइनीज आ रहा और कोई चाइनीज कड़ा आ गया फ्रॉड न्यूज़ है क्या मोह लिख रहा है
चल तू छोड़, आज का व्लॉग ये खत्म करते हैं, टाइम हो गया हमारा ना, कति खत्म करा शुरू तो इब्बे होया है। लाइक कमेंट शेयर गाइस, बाय, यहीं से ही शुरू करेंगे कल का व्लॉग। नहीं नहीं, नहीं।